Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing previous year's questions of polity subject for UPSC CSE examinations. And from our previous videos, you must have noticed that we had segregated the previous year's questions section to section wise. The last video covered the questions from the union and the state executive, and in this video we will discuss all the previous year's questions which have been asked from the union and the state legislature. So before wasting much time, let us begin with the first question itself. The first question says that with reference to the finance bill and the money bill in the Indian Parliament, consider the following statement. That means इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनेंस बिल और मनी बिल का कंपैरिजन पूछा है, मतलब आपको फाइनेंस बिल और मनी बिल पता होना चाहिए, या फिर आपको पूरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसमें जो बिल्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं तो दूसरे क्वेश्चन में वो पूछेगा। मतलब कोई भी अगर आपको लॉ बनाना है लेजिस्लेचर के लिए, उसके लिए आपको लॉ जो है बिल जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बिल एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, उसको हम प्राइवेट बिल बोलेंगे, या फिर एक मिनिस्टर भी कर सकता है जिसको आप गवर्नमेंट बिल बोलते हो। और ब्रॉडली हम बिल्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो आपके पास कैटेगरी होती है वो हो सकता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरी जो आपके पास कैटेगरी होती है वो होता है आपके पास मनी बिल, तीसरी है फाइनेंस बिल, और फोर्थ हो जाएगा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये चार कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे आपने जो बिल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है फाइनेंस बिल के बारे में और मनी बिल के बारे में। मनी बिल की दो इंपॉर्टेंट चीज है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन है या जो एसेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। फाइनेंस बिल सिर्फ इन दो कंडीशंस में मनी बिल की तरह ही होता है, मतलब फाइनेंस बिल भी सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले भी आपको क्या रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की। लेकिन बाकी सारे प्रोविजंस के अंदर ये जो फाइनेंस बिल है एक ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट व्हेन द लोकसभा, यहाँ पे हो जाएगा कि जब आपके पास लोकसभा है, ट्रांसमिट अ फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो यस, अगर आप कोई भी ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा से राज्यसभा में भेजते हो तो राज्यसभा उसे अमेंड कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। और फाइनेंस बिल अगर ऑर्डिनरी बिल की तरह है तो फाइनेंस बिल के केस में भी आप ये कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस। लेकिन जब आप मनी बिल की बात करते हो वो आया प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से जब वो राज्यसभा के पास जाता है राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन राज्यसभा रिकमेंडेशंस जो है जरूर भेज सकती है। अब ये जो रिकमेंडेशंस है एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, दैट इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। मनी बिल जो है उसके बीच में अगर कभी भी डेडलॉक हो जाता है या फिर पास होने में प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्यूटेड हो जाता है, तो वहां पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। लेकिन जब ऑर्डिनरी बिल को आप भेज रहे होते हो पासिंग के लिए, उसमें डेडलॉक के टाइम पे जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है। तो जब ऑर्डिनरी बिल में पॉसिबल है तो फाइनेंस बिल में भी पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज फाइनेंस बिल इज एग्जैक्टली सेम एज ऑर्डिनरी बिल एक्सेप्ट दोज टू प्रोविजंस व्हिच रिजेंबल द मनी बिल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। यहां पे एक टर्म आया है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का फंक्शन है और कोई उसको नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का। अब ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। ऐसा क्यों? हमने हमारे जब स्टार्टिंग के वीडियोस में क्वेश्चंस किए, जब फंडामेंटल राइट कर रहे थे, डीपीएसपी कर रहे थे, उसमें हमने इमरजेंसी प्रोविजन को लेके भी क्वेश्चन किया, उसमें हमने एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट को लेके भी क्वेश्चन किया। तो अगर वो चीजें आपको आती थी, ठीक है, उसको अगर आपने रिवाइज कर रखा था, तो यहाँ पे एलिमिनेट यू हो जाता। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या ये सिर्फ लोकसभा का काम है? आप सोच के देखिए, जब आप इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हो तो ये होता है आपके पास आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 के बीच में। आर्टिकल 352 बोलता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 355 बोलता है कि ये सेंटर की ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, और नहीं कर पाता है तो आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और फिर आपके पास आर्टिकल 360 इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट और द स्टेट इमरजेंसी हो, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ये जो इमरजेंसी है प्रोक्लेमेशन का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इसको पार्लियामेंट में भेजता है फॉर पासिंग एंड द पासिंग ऑफ दैट, और वो लोकसभा और राज्यसभा मिलके उसको पास करते। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का काम नहीं है। तो क्या ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर हुआ? नहीं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब आप आर्टिकल 74, 75, 76 ये सब आर्टिकल्स पढ़ते हो तो वहां पे लिखा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट कोई भी अगर काम करता है तो प्रेसिडेंट शुड एक्ट ऑन एन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये एडवाइस जो होगी बाइंडिंग होगी। 42nd अमेंडमेंट में बोला था कि ये एडवाइस बाइंडिंग होगी। 44th अमेंडमेंट में क्या बोला था कि बाइंडिंग तो है लेकिन एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए फिर से भेज सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां पे आप पढ़ते हो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा को लेके होती है, पार्लियामेंट को लेके नहीं होती। मतलब लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, लेकिन यहां पे ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा को लेके है कि ये सिंक भी साथ में करते हैं, डूबते भी साथ में है, तैरते भी साथ में है। सो इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द लोकसभा, नॉट द पार्लियामेंट, नॉट द राज्यसभा। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का, जी हाँ ये है। थर्ड स्टेटमेंट है दैट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 आप याद रखें, आर्टिकल 61 में बात करी गई है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। जब यहां पे आप बात करते हो इम्पीचमेंट को लेके, आर्टिकल 61 ये बात करता है इम्पीचमेंट की। आर्टिकल 61 बोलता है कि प्रेसिडेंट को आप इम्पीच करके रिमूव कर सकते हो। ग्राउंड क्या होना चाहिए? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा, और इम्पीचमेंट का ये जो प्रोसीजर है यू कैन इनिशिएट इन आइदर हाउस। आप लोकसभा में भी कर सकते हो और आप राज्यसभा में कर सकते हो। 1/4 मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करने के लिए उसको चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। तो अगेन इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा बोथ। तो ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 2। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच सेज दैट विथ रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर मे फिक्स। लोकसभा में जो आपके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पीकर। जैसे ही लोकसभा बन जाता है उसमें पहले तो एक प्रो टेम स्पीकर होता है जो कि प्रेसिडेंट जो है आपके पास बनाते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट चूज करते हैं स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो कब होगी। लेकिन जब हम डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करते हैं, इनके जो इलेक्शन की डेट होती है वो स्पीकर चूज करता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है।
सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं दैट देर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी. देखो कन्वेंशनली ऐसा चलता आ रहा है कि जो स्पीकर है यूजुअली जो आपके पास पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार होती है उसमें से होता है, तो डेप्यूटी स्पीकर ओपोजिशन पार्टी से होता है. लेकिन कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं इसके बारे में लिखा नहीं है. सो इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन. सो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट. कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट द डेप्यूटी स्पीकर. तो पहले आप स्टेटमेंट टू रॉन्ग है और स्टेटमेंट टू आपके पास रॉन्ग है, ठीक है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में. The deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal against his rulings. जब speaker की seat खाली होती है, जब deputy speaker उसकी जगह पे जाता है, तब यहाँ पे जब deputy speaker speaker का role निभा रहा है, तो उसके पास same power होती है जो कि speaker के पास होती है. Then at that time deputy speaker is not subordinate to any speaker, right? तो ये जो statement है ये correct हो जाएगा. तो इसका जो answer है वो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा. थर्ड एंड फोर्थ जो है इसका आंसर वो है. दैट मींस इफ आई टॉक अबाउट द स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट के वे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये तो साफ साफ लिखा है, गलत है ये. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पहला वीडियो जब हम बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में या फिर शेड्यूल्स या पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है. इसमें हमने बोला कि जब भी आपके पास 10th शेड्यूल आपके पास आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था. 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन जो है बताया जाता है मेंबर्स का, जिसमें से एक नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी, और जो आपके पास नॉर्मल मेंबर्स होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगा. तो कोई भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर होता है तो वो 6 महीने के अंदर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन 6 महीने हो गए उसके बाद अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है तो उसको हम डिस्क्वालिफाई बोलते हैं. और जब मैं इंडिपेंडेंट मेंबर की बात करती हूँ तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स इलेक्शंस होने के बाद में अगर अपनी दल बदल लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बींग अपॉइंटेड टू दैट हाउस. तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या बोला है विद इन 6 मंथ कि 6 महीने के अंदर वो चेंज कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है. विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर वो ऐसा कर सकता है, 6 महीने के बाद में वो ऐसा नहीं कर सकता. दूसरा स्टेटमेंट द लॉ डस नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस. दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करते हो तो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर स्पीकर के पास होता है कि जो फाइनल अथॉरिटी है कि ये डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा ये स्पीकर चूज करता है. हालांकि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, लेकिन डिसीजन जो स्पीकर है वो देते हैं. लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा कि इतने ड्यूरेशन में आपको उनको ये करके देना है. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया क्वेश्चन. यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेके उन्होंने पूछा. फाइनेंस बिल को पूछा तो एक तरह से वो एक ऑर्डिनरी बिल के बारे में भी उन्होंने पूछ लिया. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आई थिंक 2022 का, इन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल को लेके, यानी आर्टिकल 368 के अंदर आप जब अमेंडमेंट करते हो तो वो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब आप अमेंडमेंट करते हो पहली चीज लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो. तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ ईदर हाउस, इसमें दोनों में आप उसको इनिशिएट कर सकते हो. दूसरी चीज
ये बिल प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो नहीं लगती। और चौथी चीज यहाँ पे क्या है कि ये जो आप अमेंडमेंट करते हो उसमें प्रेसिडेंट को अपना जो एसेंट है वो देना ही होता है और यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, तो ये तो स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. ये correct है. Write down in the comment section that ये provision कौन से amendment के through लाया गया था, कि जब आप constitution को लेके amendment bill लेके आते हो तो उसके अंदर President को वहां पे assent देना obligatory होता है. Third statement, a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by special majority and there is no provision for the joint sitting. तो आपके पास statement 1 correct था, statement 2 आपके पास wrong था, तो answer हो जाएगा 1 and 3. ठीक है, तो question number जो 5 है उसका answer हो जाएगा इसका जो answer है वो हो जाएगा आपके पास B. Clear है, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है वो तो गलत है, स्टेटमेंट टू करेक्ट और स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। देखो, जब हमने वीडियो किया था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का, वी हैड कंपेयर्ड द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द फेडरल स्ट्रक्चर। एंड जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमें मालूम होना चाहिए। जब आप ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हो, इट इज नॉट लिमिटेड, इट इज अनलिमिटेड। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है ये बहुत ज्यादा सुप्रीम है, बहुत ज्यादा सॉवरन है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहां पे अगर उन्होंने कोई लॉ बना दिया तो वो लॉ है, उस पे सुप्रीम कोर्ट या उनकी जो जुडिशरी है वो इंटरवेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए कहावत भी है कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट अ मैन टर्न इनटू अ वुमन एंड अ वुमन टर्न इनटू अ मैन, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया का जो कंटेक्स्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में क्या होता है, पहली बात तो लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी कि आपके पास जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपके पास लिमिटेड गवर्नमेंट है, इंसान की लिबर्टी को ज्यादा से ज्यादा लिबरल करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो आपके पास स्टेट्स है यानी कि जो गवर्नमेंट है उनको लिमिट कर रखा है, और चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों विंग्स के बीच में यहाँ पे आपको जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा। जब हम पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट ने कोशिश करी थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके अपना जो पावर है वो दिखाने के लिए, लेकिन इसको चैलेंज कर दिया गया था इन दी सज्जन प्रताप केस ऑफ 1975। सज्जन प्रताप सिंह के केस में इसको चैलेंज कर दिया गया, और बाद में फिर आया 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसको भी चैलेंज किया गोलकनाथ के केस के अंदर, और फाइनली इवॉल्व होते होते केशव नंदा भारती केस आया, जिन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368 वो अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो मर्जी हो अमेंड कर सकता है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और यहां से केशव नंदा भारती केस के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है वो लाया गया। तो पहली चीज यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आप देखोगे, दैट एज रिगार्ड द लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, In India, the matters related to the constitutionality of amendment of an act of parliament are referred to the constitution bench by Supreme Court. Yes. So, iska answer ho jayega C. That is both 1 and 2. Next question. Rajya Sabha has equal powers with the Lok Sabha in. तो ये चार चीजें हैं, इसमें आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो पावर्स है वो किसमें सेम है। देखो, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे आओ, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 368 के अंदर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हो, आप इसको लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो।
प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है और मिनिस्टर भी कर सकता है। प्रेसिडेंट की इसमें रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती, ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं लगी होगी और दोनों हाउस इसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग पास करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे दोनों का इक्वल पावर है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर्स होते हैं? नहीं होता। जब आप इसके बारे में बात करते हो और राज्यसभा के बारे में, तो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडिंग जो पावर है वो तो दोनों में इक्वल पावर शो कर रहा है, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 जो है, यानी कि आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राज्यसभा को ऑथोराइज कर रखा है, राज्यसभा के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहाँ पे जो लोकसभा है उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जब ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी होती है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, उसमें लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है अंडर आर्टिकल 312 और वो स्पेशल मेजोरिटी से वो कर सकते हैं। और जो कट मोशन है, ये एक स्पेशल पावर जो लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है। तो इसका आंसर क्लियर है कि इसका आंसर हो जाएगा अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे दे रखा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन द सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम कम्युनिकेशंस, इंश्योरेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन अगर आपने पढ़ी होगी तो ये आता है आर्टिकल 280 में। नीति आयोग आया था आपके पास प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, तो इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर आप 3 और 4 भी एलिमिनेट कर पाते तो भी आपके पास आंसर आ जाता 1 और 2। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इन द फर्स्ट लोकसभा The single largest party in the opposition was the Swatantra Party. Second statement, in the Lok Sabha, a leader of opposition was recognized for the first time in a... आप इस question को छोड़ सकते हो, कभी कभी ऐसे awkward से question आ जाते हैं, इसकी वजह से अपना source कभी मत change करिएगा कि अब मैं कुछ और book पढ़ लेता हूँ, extra book पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। जो आपका source है आप उसी को रखो, multiple revision करो। अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि एकदम ही कहाँ से आ गया, तो वो आपको नहीं तो वो किसी को भी नहीं आ रहा है, बट यू डोंट हैव टू चेंज योर सोर्स, राइट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास क्लियर था, वो आप उसको कर सकते थे। आगे आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, दैट रिगार्डिंग द मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनी बिल यानी कि अंडर आर्टिकल 110, इसके अंदर आपके पास मनी बिल जो है उसको डिफाइन कर रखा है, मनी बिल क्या होता है, ठीक है। मनी बिल की अगर हम बात करें तो पहली बात तो इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, alteration या फिर regulation of any tax, ये जब आप article 110 पढ़ोगे उसमें definition दे रखी है money bill की। तो यहाँ पे पहली definition यही दे रखी है, तो statement 1 इसका correct हो जाएगा। अब आते हैं एक और definition जो दे रखी है, वो है regulation of borrowing of the money by the union government, तो इस हिसाब से इसका जो option D है वो भी correct हो जाएगा। फिर एक और प्रोविजन दे रखा होता है आर्टिकल 110 में कि जो कस्टडी है ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो अब बचा जो है क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, वो यहाँ पे आपके पास गलत हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statement. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be the member of Assembly. अगर वो Assembly का member नहीं हो तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन second statement देखो कि whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate the office immediately. ऐसा नहीं होता कि आप उनको तुरंत खाली करना होता, नहीं, right? So statement 1 जो है वो यहाँ पे correct हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज पे, ये स्टैटिक सवाल है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी बताने लायक है नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने कैबिनेट भी बनाई है,
अब कैबिनेट के ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया कि वो तीन कैटेगरीज में मेंबर भी मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है। अब वहीं पे इन्होंने कैबिनेट को लेके क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर कहीं पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर उसके उसको लाने का प्रिंसिपल क्या है, मेन जो मुद्दा है भाई क्यों लाया गया है। तो कैबिनेट क्या होती है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक छोटा पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम मेंबर्स होते हैं ताकि वो फटाफट से फटाफट डिसीजन ले सके और डिले ना हो, राइट। तो अब ऑप्शन जो उनको देखते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सेकेंड, मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज। यहीं से आंसर आ जाना चाहिए कि जो कैबिनेट है उसमें कम मेंबर्स होते हैं और वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी हो जाता है, प्रोसेस डिले नहीं होता, तो स्पीडिंग अप के लिए ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दे रखा है, इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और द स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन पार्टी। थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी द आंसर बिकॉज आई थिंक यू नो द आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, नीदर वन एंड नीदर टू। बढ़ते हैं हमारा जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, उसकी तरफ करें आप अगला क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, अब प्राइवेट मेंबर्स बिल, देखो आप घूम फिर के क्वेश्चन बिल पर ही आ रहा है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल पूछे, मनी बिल पूछे, फाइनेंस बिल पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पूछे, या फिर प्राइवेट या जो मिनिस्टर का जो बिल होता है उससे पूछे, बट मोस्टली जो क्वेश्चन है इट इज सराउंडिंग और अराउंड द बिल। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर मिनिस्टर नहीं है तो बाकी जो है सब आपके पास प्राइवेट मेंबर ही हुए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंडिपेंडेंट मेंबर, लेकिन यहां पे सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करी है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट टू, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। करंट अफेयर्स अगर आपने किया हो तो आपको ये आइडिया लग जाता कि ऐसा कुछ रिसेंट हुआ नहीं है, प्लस स्टैटिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो तो उसमें था कि बहुत पहले की बात है ये, तो स्टैटिक तो आप चलो छोड़ो, इतना क्या पढ़ना होता है, जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ो आप, बट करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो उस बेसिस पे आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। मेजर जो आपके पास आइडिया लगना चाहिए था वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट में उसका लगना चाहिए था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नन, ना तो वन ना ही दो। नाउ सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द, वी ऑल नो हमारे पास 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बात करता है यूनियन लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। मतलब वो सारी सब्जेक्ट्स जिसपे सेंट्रल लॉ बना सकती है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, वो सारे सब्जेक्ट जिसपे स्टेट लॉ बना सकती है वो स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे, और जिसमें दोनों के पास पावर है वो कॉन्करेंट, एंड रेजिडुअरी पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ सेंटर। लेकिन सेंटर स्टेट के मैटर पे लॉ कब बना सकती है उसके लिए इन्होंने पूछा है, तो वो एक डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
लोकसभा का रोल नहीं होता है, लोकसभा का रोल नहीं होता, राज्यसभा का होता है, बट मेजोरिटी इज नॉट सिंपल मेजोरिटी. यहाँ पे जो मेजोरिटी लगेगा दैट इज स्पेशल मेजोरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. स्टेटमेंट टू है द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. अगर आप लोकसभा के बारे में बात करते हो, वहां पे स्पीकर जो है और डेप्यूटी स्पीकर ये आपस में ही मिलकर चूज होते हैं. सेम उसी तरह से जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के, वहां पे जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनको गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते हैं, वो लोग आपस में ही उनको चूज कर लेते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट स्टेटमेंट, तो क्या वो सही है? नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली फिक्स कर दिया गया है. मतलब आपकी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो भी आपके पास टोटल स्ट्रेंथ होगी उसकी 1/3 आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल. प्लस जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी कर दी गई है? 40. यहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कितनी है? 40 हो गई है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. 17 का आंसर है आपके पास डी, नीदर वन एंड नीदर टू. लेट्स टॉक अबाउट द 18th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट. ये तो अभी फरवरी में जब यूनियन बजट थे, सर्वेस वगैरह आते हैं, कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो कि आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उनके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एलिमिनेट करिए, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा. और यहां से क्लैरिटी भी है कि ऑप्शन टू तो सही सही है. तो ऑप्शन टू बोल रहा है नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट थ्री यहां पे बोल रहा है ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू. कैसे? स्टेटमेंट थ्री की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो वो गलत स्टेटमेंट है. कैसे गलत है? जब आप बात करते हो पब्लिक अकाउंट्स के बारे में तो इसके अंदर प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हैं, आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं, या फिर जो रेमिटेंसेस है, ये सब जो भी होते हैं पब्लिक अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट किए जाते हैं. और ये जो अकाउंट है इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन. मतलब इसके अंदर जो भी पेमेंट होता है इस अकाउंट के अंदर वो बिना पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन के थ्रू पास हो सकता है. तो यानी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है आपके पास 19th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2023 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा, रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है. अभी भी अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो आप हार का झंडा जो है, फेल होने का झंडा अपने घर से अपने साथ लेके जा रहे हो. यू विल डेफिनेटली फेल इन द एग्जामिनेशन अगर आप ऐसे टॉपिक्स, अगर ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसे पॉइंट्स को आप छोड़ के चले जाते हो. बिकॉज यू नो कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है. तो यही नहीं कर रहे हो तो फिर वो आप, यू डोंट हैव एनी राइट टू से दैट यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल. सिंपल, राइट? सो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. ये गलत है. स्टेटमेंट टू जो है इसका अपोजिट वाला सही होगा. क्यों सही होगा? जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हो, मान लो कि आपके पास जो स्टेट है उनके पास बहुत सारी पावर्स है, कोई भी लॉ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. दैट मीन्स वो स्टेट, वो गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज कर सकती है सिटीजन्स के अगेंस्ट पे, राइट? दैट इज अ रीजन कि ये जो स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट होते हैं उनके पावर को लिमिट किया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल है उनकी जो लिबर्टी है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाए. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करने के लिए हम स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 20, ये कमिटी से रिलेटेड है, स्टैटिक क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. याद करो, हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, विच इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इट इज नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. इट इज नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. लोकसभा के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सरकार गिर सकती है. इस मुद्दे पर इन्होंने जो क्वेश्चन है वो पूछा है. पहला, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा स्टेटमेंट है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली. तो अगर इसके आप आंसर के बारे में बात करोगे तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस के बारे में बात नहीं करी गई है. एंड सो बेसिकली इनडायरेक्टली हम इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो वहां पर नहीं लिखा हुआ है. आपके पास जो रूल नंबर 198 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो होते हैं कंडक्ट ऑफ लोकसभा के, उसके अंदर इसके बारे में जो है बात करी गई है. तो स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. अभी अभी हमने बात करी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इट इज नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एज अ होल. इट इज नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा. इट इज ओनली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा. तो आंसर तो आ ही गया है, ये हटा दीजिए, ये सी हटा दो, डी हटा दो, 2 and 3. फिर भी ऑप्शन को देख लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जी हाँ, वही उनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, और उन्हीं के प्लेजर में जो मिनिस्टर्स है वो रहते हैं. इनफैक्ट पीएम भी जो है उन्हीं के प्लेजर पे रहते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन. यस, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू कम्युनिकेट. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पे बोला गया है कि एनुअल यूनियन बजट अगर लोकसभा के अंदर पास नहीं होता है तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सीधी बात, सरकार गिर गई है. तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. क्वेश्चन नंबर 24, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक होता है तो वहां पर ज्वाइंट सिटिंग आप किन किन केसेस में बुला सकते हो. ये हम बिल्स के केस में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके अंदर अगर लोकसभा राज्यसभा के केस में डेडलॉक है तो आप जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो. लेकिन मनी बिल के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट. क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बजट. नॉट करेक्ट पूछा है. पहला स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ बजट. ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट चीज है, क्योंकि बजट का पूरा काम फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करते हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमको गलत स्टेटमेंट बताना है. फिर यहाँ पे है, पार्लियामेंट हैज पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. इसको थोड़ा सा रुक के देखेंगे. सी है, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. क्या क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी आपको सही लग रहा है? देखो यहां पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट बिना प्रेसिडेंट के रेकमेंडेशन के टैक्स इंपोज नहीं कर सकते और ना ही वो किसी टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है. तो इसका आंसर होएगा बी आंसर होएगा इसका. बढ़ते हैं 27 के बारे में. इन इंडिया
जो लोकसभा के स्पीकर है, देखो अभी तक 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर आप समझदार इंसान हैं, इफ यू आर मैच्योर इनफ, तो आपको इतना क्लैरिटी हो गई होगी कि जो बिल्स हैं उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, या फिर जो स्पीकर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके क्वेश्चन है, फिर एक कोई दुख के कुछ और आ गया तो वो अलग बात है. सो दीज आर द 3 फोकस एरियाज जहां पे आपको बात करनी है. तो लोकसभा के जो स्पीकर है उनको चूज किया जाता है, ना कि नॉमिनेट, ना कि इलेक्शन, ना कि अपॉइंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450. अरे ये 500 होता है, तो ये तो गलत हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. इट इज एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चन. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास पब्लिक अकाउंट्स पे हैं, ये आप खुद करेंगे, इट्स इजी. क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जी हाँ, आर्टिकल 108 जो है जॉइंट सिटिंग की बात करता है, ये करेक्ट है. फिर यहाँ पे बोला गया है, द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा was held in year 1961. तो क्या ये करेक्ट है? इसमें जो है कि ये आपके पास स्टेटमेंट हो वो करेक्ट है. कैसे? जो फर्स्ट जॉइंट सिटिंग हुई थी वो 6 मई 1961 को हुई थी. क्यों हुई थी? बिकॉज यहाँ पे जो दोनों हाउसेस है ये बात कर रहे थे अबाउट, जो डिस्कस कर रहे थे डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1959 को लेके, और ये जो है उसके बाद 1961 यानी कि 9 मई 7-8-9 तीन दिन बाद ही इस बिल को अमेंड किया गया और फाइनली पास किया गया. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसी के साथ इसका जो स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट हो जाएगा कि जो सेकंड जॉइंट सिटिंग होती है वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन जो कि रिपील हुआ था. दिस इज करेक्ट. 1, 2, 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा. 31, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the state. तो एक तो आपके पास है 7th constitutional amendment जिन्होंने Lok Sabha के members के जो number है वो बढ़ाया गया था, और उसी के साथ आपके पास एक amendment था, that is 31st, जिसका answer हो जाएगा C. Last question, that is question number 32. Consider the following statement. While the members of Rajya Sabha are associated with the committees, देखो ये कमिटी वाले क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कमिटी वाले स्ट्रेट क्वेश्चन से अगर आपने कमिटी पढ़ी तो आपसे हो जाएगा. इसके बजाय 33 कर लेते हैं कि जो टर्म ऑफ लोकसभा है, क्या पहला स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये गलत है. सेकंड, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट ए टाइम, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी. यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 33. तो यही थे आपके पास क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा अभी तक कि पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसमें आपको किस पे फोकस करना है. जो बिल्स होते हैं, जो स्पीकर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा की, तो ये सारे आपके पास फोकस एरियाज हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, मल्टीपल रिविजन कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो. थैंक यू सो मच. प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल बाय सब्सक्राइबिंग and liking and sharing our videos. आप जितना ज्यादा हमें support करेंगे, हम उतना ज्यादा आपको motivate होके उसी energy के साथ और ज्यादा lectures provide करवा पाएंगे. So for supporting us, आप एक छोटा सा subscription कर ही सकते हैं bell button दबा के. Thank you so much. आज के लिए इतना ही था.